Assalamu alaikum and welcome to another brand new vlog, man. और ये मेरे साथ खावन मौजूद है यार, तुम हमेशा लेटा क्यों रहते हो ऑफिस में? मुझे ये तेरी बात नहीं समझ आती यार। तो गाइस, इस व्लॉग में हम पहले तो मैं कॉलेज गया था सुबह, पहले वो क्लिप देख ली। इस टाइम हम मौजूद है कॉलेज, हमारे एक दोस्त हैं तसद्दुक, उनका एक्चुअली हो गया था एक्सीडेंट। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे कहते हैं यार रोल नंबर स्लिप ले आना, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि स्लिप्स आ गई। मौसम मैं कहता हूँ लाहौर का औसम हुआ है, लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद हर जगह बारिशें हो रही हैं, और लाहौर इस टाइम लाहौर के कई इलाकों में हो रही है, लेकिन ये इलाका इस टाइम शदीद मेरा मतलब है कि खुश्क तरीन, क्या खुश्क है ना, खुश्क तरीन इलाका पाया जा रहा है। तो आज का व्लॉग इस बारे में है कि हमने बस ऑफिस का काम खत्म करना है, उसके बाद हमने जाना है प्रोजेक्टर लेने, किसी का प्रोजेक्टर लेने के लेना हमने। तो बस लेट्स गो, सो बस काम खत्म करना है यहाँ दस्ती, और बस निकलने की करनी है, रात को प्लान है। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं देख रहा था यूट्यूब, तो यार जब मैंने मेरा ना थोड़ा सा दिमाग में चल रही थी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि स्टोरी टाइप चलता है, तो वो सीन चल रहा था। और मैंने देखा कि यार अगर हम कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तान के मीडिया को और बाहर के मीडिया को, लाइक पाकिस्तान से आउट ऑफ पाकिस्तान, इवन इंडिया का मीडिया, लेट्स सपोज एक हम शो ले लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में अगर कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन होता है उसका लेवल क्या होता है, इंडिया में जो डांसिंग कंपटीशन होता है उसका क्या लेवल होता है। नो डाउट के हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में ये चीज डांसिंग वगैरह नहीं इतनी पॉपुलर या फिर इतनी नहीं कंसीडर की जाती, लेकिन अगर हम देखें ना अगर हम, तो कोई लेवल नहीं है पाकिस्तान का इस चीज में। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी को, ना मैं किसी चीज को इंसल्ट करूं, ना मैं किसी नॉर्म को यानी कि कुछ भी डिस्टर्ब करूं, मैं जनरली ये कमेंट कर रहा हूं कि लेवल नहीं है किसी भी चीज का। लाइक वल्गैरिटी हम समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए इधर उधर हर जगह पर, किसी पाकिस्तान में वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, फिल्म्स में, मूवीज में, एड्स वगैरह में कहीं पे वल्गैरिटी नहीं आनी चाहिए, प्रोग्राम्स में भी। लेकिन अगर हम देखें तो यार जितनी पाकिस्तान में वल्गैरिटी चल रही है, जितनी पाकिस्तानी मीडिया में वल्गैरिटी चल रही है, जितना हम अपने कल्चर को छोड़ के दूसरों के कल्चर में घुस के वल्गर हो रहे हैं, उसकी निस्बत वो लोग हमसे अच्छे हैं। वो लोग अपने कल्चर में रहते हुए एक ऐसी चीज परफॉर्म करते हैं जिसको हम कह नहीं सकते कि वल्गैरिटी है। नो डाउट उनके क्लोदिंग वगैरह उनकी डिफरेंट है हमसे काफी, लेकिन फिर भी उसमें हम ये नहीं फील करेंगे कि वल्गर हो रहा है कुछ। रोना टैलेंट नहीं है, किसी भी मूवी का डायलॉग खुद बोल देना टैलेंट नहीं है, लाइक कोई लेवल नहीं है हमारा। तो इस चीज पे क्रिएटर्स को काम करना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए प्रोड्यूसर्स को, हमारे चैनल्स को, कि यार हम इंटरनेशनल एक बीट पकड़ सकें। हमारे कोई बीट नहीं है इस टाइम। अगर आप चेक मेरे बात से को कई लोग इख्तलाफ करेंगे, जिसको इख्तलाफ है वो नीचे कमेंट में मुझे बताए किसको इख्तलाफ है। पाकिस्तान में ही रह के चलना है, ठीक है ना। अगर सारे कहेंगे कि बाहर को क्यों देख रहे हो, सिर्फ अपने कंट्री से मोहब्बत करो, ऐसे करो वैसे करो, तो हमारी कंट्री का एक कल्चर है, हमारी कंट्री के कुछ नॉर्म्स हैं, जिसको ब्रीच करके हम ये कहते हैं कि बाहर की कंट्रीज से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। अब हमने जाने जैफाइट, तो बस चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जैफाइट, हमारे साथ मौजूद है उस्मान, लेकिन ये मान सीधा चला जाएगा, हमने जाना है जैफाइट, अशर हमारा वहां वेट कर रहा है, तो बस चलते हैं। लिफ्ट में मौजूद है, लिफ्ट जैसे चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जेफाइट्स, और बस अशर का वेट हो रहा है, अशर थोड़ा लेट है, तो बस जब तक वो नहीं आता तो वेट करते हैं। वेलकम बैक, और इस टाइम हम मौजूद हैं ऑफिस में, पैर हो वेलकम बैक, और इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं हम, प्रोजेक्टर हम ले आए थे, मेरे साथ मौजूद है अशर, प्रोजेक्टर हमने रख दिया, कहाँ रखा वो नीचे पड़ा हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज। What?
What?